नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, है ना। तो दोस्तों, आज हम लोग बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आए हैं अपने चैनल पर। देख सकते हैं आप लोग, बिहार पीआरडी न्यू वैकेंसी 2022। जी हाँ, बहुत बड़ी अपडेट है ना। तो सभी अभ्यर्थी, जो योग्य अभ्यर्थी है, हो जाएंगे तैयार। टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूँ, 1200 पदों पर अभियंता की वैकेंसी आने वाली है, इंजीनियरों की बड़ी भर्ती होने वाली है। तो जितने भी, अच्छा, सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि अभियंता का अपना कैडर होगा, है ना। तो बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए, जितने भी लोग हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं। तो वीडियो में मैं बारी बारी से एक एक बातों पर चर्चा करने वाला हूँ, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहेंगे। और चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल पर आए। जी हाँ दोस्तों, चैनल पर आए। तो दोस्तों, इस तरह से जो है चैनल पर आइए। चैनल पर आने के बाद यहाँ पर जो है एक लेटेस्ट अपडेट आप देख सकते हैं, है ना। अपकमिंग वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट है, आप इसे जरूर देखिएगा, है ना। अपकमिंग वैकेंसी है एनएचएम और एलएनएमयू में भी वैकेंसी है। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा, जरूर देखिएगा। यहाँ पर बीटीएससी की भर्ती से रिलेटेड अपडेट है, और मदरसा में जो है 2100 विज्ञान शिक्षकों की बहाली आने वाली है, उसको लेकर की अपडेट है। यहाँ पर जो है बीटीएससी का यहाँ पर अपडेट देखने को मिल रहा है दोस्तों, इसे जरूर देख लीजिएगा। और यहाँ पर बिहार की वैकेंसी से रिलेटेड तो अपडेट देखने को ही मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप आइएगा तो प्लेलिस्ट सभी के अवेलेबल है अपने इस चैनल पर। तो इस चैनल पर जितने भी प्लेलिस्ट है, आप इच्छा अनुसार जो आपको लग रहा है मेरे लिए उपयोगी है, तो आप उसे देख सकते हैं ना। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और यहां से देखते हैं पूरी की पूरी जानकारी को। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पर, है ना। देखिए यहां इस लाइन को देखिएगा, यहां देखिए इस लाइन में क्या दिया गया है ना, कि 1200 अभियंताओं के पद सृजित करने की तैयारी चल रही है। तो अच्छी अपडेट है दोस्तों, है कि नहीं। तो अब यहां पर पूरी डिटेल अगर देखें तो पंचायती राज का अपना इंजीनियरिंग कैडर होगा, ये तो अच्छी बात है। नीचे आते हैं अगर यहां पर, तो यहां पर देखते हैं प्रस्ताव से संबंधित अगर देखा जाए तो वित्त विभाग से ली जा रही सहमति फिर कैबिनेट के पास जो है जाएगा। परमंडल से प्रखंड स्तर तक अभियंताओं की तैनाती की जाएगी, ये परमंडल से प्रखंड स्तर तक तैनाती होगी आपकी। अच्छा, लंबे समय से कैडर की जरूरत थी, है ना। लंबे समय से इंजीनियर कैडर की जरूरत विभाग महसूस कर रहा है। पदों के सृजन पर पूर्व में भी कार्रवाई शुरू हुई थी, पर उसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका, इसको लेकर एक बार फिर प्रयास तेज हुए हैं। तो देखिए, पंचायती राज विभाग का भी अपना इंजीनियरिंग कैडर होगा, उनके अपने अभियंता होंगे, इसको लेकर 1200 अभियंताओं के पद सृजित करने की तैयारी चल रही है ना। अच्छी अपडेट दोस्तों, पंचायती राज विभाग द्वारा इस कैडर के प्रस्ताव पर वित्त विभाग से सहमति ली जा रही है। वित्त विभाग की सहमति के बाद आपको कैबिनेट में पता है मंजूरी मिलेगा, उसके बाद पास होगी, है ना। इसके बाद इस पर कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। पदों के सृजन की कार्रवाई पूरी करने के बाद जल्द अभियंताओं की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। तो यहाँ पर दो है, एक वित्त विभाग में इसको पेश किया जाना है, उसके बाद कैबिनेट में पास होगा। जैसे ही कैबिनेट में पास होगा तो इसकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, है ना। मालूम हो कि पंचायती राज विभाग में अभी तक अभियंताओं का अपना संवर्ग यानी कैडर नहीं है, दूसरे विभागों के अभियंताओं से यहाँ के काज भी कराए जाते हैं। जैसे मैं आपको मालूम है टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में आपको मालूम ही है, जिसे कनीय अभियंता नाम दिया गया। देखिए इसमें, है ना, आगे देखते हैं क्या है, काज भी कराए जाते हैं। वही संविदा पर तकनीकी सहायकों को भी विभाग में नियुक्ति की गई है, संविदा पर ही नियुक्ति हुई है, जिन्हें कनीय अभियंता का दर्जा सरकार ने दिया है। तो ये नहीं, तकनीकी सहायकों को कनीय अभियंता का दर्जा दिया गया, पर अब कनीय अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता तक के अस्थायी पदों का सृजन किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर जो है पोस्ट जो होंगे कैसे होंगे दोस्तों, परमानेंट होंगे। इसके लिए राज्य स्तर पर एक अधीक्षण अभियंता होंगे, इसके अलावा परमंडल जिला और प्रखंड स्तर अभियंताओं की तैनाती की जाएगी। तो यहाँ पर तैनाती होगी। अच्छा, राज्य में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य चल रहे हैं, अब यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहे हैं, तो इसको लेकर के जो है यहाँ पर भी देख सकते हैं, वैकेंसी का यहाँ पर अपडेट आप लोग देख सकते हैं। पंचायती राज द्वारा राज्य में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य चलाए जा रहे हैं। आने वाले वित्तीय वर्षों में, वित्तीय वर्ष यानी यही मार्च अप्रैल, है ना, अगले महीने कई नई योजनाओं का शुभारंभ विभाग द्वारा किया जाना है। इसी को देखते हुए अभियंताओं की नियुक्ति का निर्णय विभाग ने लिया है। वर्तमान में विभाग की नल जल योजना, गली नाली पक्कीकरण, पंचायत सरकार भवन का निर्माण, कुओं का जीर्णोद्धार आदि कार्य चल रहे हैं। इसके संचालन और बेहतर रख रखाव में भी अभियंताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वहीं हर जिले में परीक्षण केंद्रों के निर्माण कार्य की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। आगे के वर्षों में व्यापक स्तर पर निर्माण कार्य होने हैं। इनमें हर पंचायत में सम्राट अशोक भवन, हर ग्रामीण वार्ड में सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना आदि शामिल है।
तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने देखा किसके बारे में, अभियंता की वैकेंसी को लेकर के अपडेट, एक छोटी सी अपडेट है। प्रदूषण विभाग में भी जो है, यहाँ पर जो है प्रदूषण नियंत्रण विभाग में भी एक छोटी सी बहाली है, छोटी सी है, देख लेते हैं उसे भी। तो दोस्तों ये देखिए, है ना, ये देख सकते हैं, जीवों पर प्रदूषण का असर जानने को बहाल किए जाएंगे शोधकर्ता। अब यहाँ पर शोधकर्ता जो है किस टाइप से बहाल किए जाएंगे, तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जूनियर रिसर्च फेलो की जो है तरीका जो है तैनाती, मतलब ये जो है इसके तरीके से करेगा तैनाती। पर्यावरण अध्ययन के लिए संविदा पर होगी नियुक्ति। यह प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण और प्रदूषण मानकों के अध्ययन के लिए जूनियर रिसर्च फेलो की तैनाती करेगा। संविदा के आधार पर 3 जो है पदों पर 2 साल के लिए नियुक्ति होगी। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस होगी। इनमें से 2 पद फिजिकल केमिकल एनालिसिस के होंगे, 1 पद माइक्रोबायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग के लिए निर्धारित है। तीनों रिसर्च फेलो की नियुक्ति बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रयोगशालाओं में की जाएगी। नेट उत्तीर्ण लोगों को जूनियर रिसर्च फेलो की जिम्मेवारी दी जाएगी। 2 साल के लिए संविदा पर नियुक्ति होने के बाद यह स्थायी नियुक्ति के लिए दावा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल ही है, मतलब इनके जिम्मे स्थानीय स्तर पर प्रदूषण मानकों के अध्ययन से लेकर जीवों पर होने वाले प्रदूषण के असर तक का अध्ययन शामिल होगा। इसके अलावा प्रदूषण मानकों के स्तर तक लाने के उपाय सुझाने के लिए वैज्ञानिक विश्लेषण भी इनके जिम्मे होगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड औद्योगिक इकाइयों की ओर से प्रदूषण उत्सर्जनों की जाँच करता है। इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों में उत्सर्जन मानकों में कमी के लिए तरीके अपनाने का सुझाव विश्लेषण के जरिए ही दिया जाता है। इनमें रिसर्च फेलो की भूमिका होगी। तो यहां पर 3 रिसर्च फेलो आपको देखने को मिला है कि नियुक्ति होने वाली है प्रदूषण डिपार्टमेंट में। तो दोस्तों यहां पर देखिए, टोटल जो है बहुत ही अच्छी अपडेट है आप लोगों के लिए। यानी कि देखा जाए तो पीआरडी में ये वैकेंसी जैसे ही वित्त में और कैबिनेट से पास हो जाती है ना, दोनों तरफ से जैसे ही पास हो जाती है, तो आपको यहाँ पर 1200 पदों की नई वैकेंसी देखने को मिलेगा, है ना। और वही जो है इंजीनियरों की जो है कह सकते हैं बड़ी भर्ती। और जैसे ही ये भर्ती होगी ना, जी हाँ दोस्तों, जैसे ही इसकी भर्ती होगी तो अभियंता का जो है अपना कैडर होगा, मतलब अपना कैडर बन जाएगा, तो बहुत सारी सुविधाएं मुहैया होंगी। तो ये बहुत बड़ी अपकमिंग वैकेंसी आप लोगों के लिए है दोस्तों। तो इसे दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए सबसे पहले। और दोस्तों चैनल पर जो भी वीडियो डाले जाते हैं आप उसे देखिए, है ना। जॉब रिलेटेड अपडेट आपको, एक एक अपडेट आपको प्रोवाइड कराई जाती है। यहाँ पर देखिए सभी तरह के प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप यहाँ से इजिली जो है देख सकते हैं, है ना। जैसे LRC, BTSC, PRD, इन सभी का अपडेट है दोस्तों, देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।